अच्छा इस वीडियो में, हेलो, इस वीडियो में एक खुशखबरी है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, इसलिए ध्यान से देखना, पूरी देखना ये वीडियो, कभी भी अनाउंसमेंट आ सकती है। बात फ्रांस की करते हैं। फ्रांस से तनातनी के बीच खबर ये आई कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाने का प्रस्ताव पास किया। दो दिन बाद ये पता चला कि फ्रांस में तो पाकिस्तान का राजदूत है ही नहीं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंतंत्र। इससे पहले इमरान खान ने फ्रांस के प्रोडक्ट बॉयकॉट करने की भी बात की थी। फिर किसी ने उनको बताया, सर बॉयकॉट करने के लिए खरीदने की हैसियत भी होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में आजकल फ्रांस के खिलाफ न्यूक्लियर बम फेंकने की भी बातें की जा रही है। उनको शायद अभी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि टोटल न्यूक्लियर हथियारों के मामले में फ्रांस पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पर पाकिस्तान दरअसल देश के नाम पर एंटरटेनमेंट है। पिछले 70 साल से अपने आप को शेख समझते आए पाकिस्तानी शेख चिल्लियों को अब टर्की में अपना रहनुमा नजर आ रहा है। और चीन तो CPEC का लॉलीपॉप देके बड़ा पापा इनका पहले ही बन चुका है। दोनों पापाओं की लड़ाई में पाकिस्तान के पहले पापा सऊदी अरब ने अपनी मुंह बोली औलाद पाकिस्तान को डिसोन करते हुए 20 रियाल के नए बैंक नोट को जारी किया है, जिस पर गिलगित बाल्टिस्तान समेत POK को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जो कि पाकिस्तान चाहकर भी जिसके खिलाफ नाराजगी नहीं दिखा सकता, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और सऊदी ने अगर अपने बचे खुचे पैसे वापस मांग लिए तो आधा मुल्क बिक सकता है। खान साहब, घबराना नहीं है। अब बात कश्मीर की। पिछले 5 अगस्त को 35 और 370 हटाने के बाद इस साल जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने भूमि कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। आपको पता ही है, इस नए संशोधन के मुताबिक अब देश का कौनो भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। तालियां, बस्ती रहनी चाहिए। अब इसके लिए किसी भी तरीके के डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट की औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ स्थायी नागरिकों को ही जमीन खरीदने की अनुमति थी जिनके पास राज्य का स्थायी डोमिसाइल हो, और देश के किसी भी अन्य राज्य का कोनो भी नागरिक चाहकर भी जम्मू कश्मीर में अपने घर, दुकान और कारोबार के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। यानी अब चचा, अरे ओ वाले चचा अब्दुल्ला, चाहे तो इस कानून में बदलाव के लिए चीन का इंतजार कर सकते हैं, और महबूबा मुफ्ती चाहें तो कौन सा झंडा कहां लगाएंगी उस पर और बहस कर सकती हैं, क्योंकि डंडा तो 5 अगस्त 2019 को ही गाड़ा जा चुका है। तो अब पार्टी नु ही चलेगी, पार्टी नु ही चलेगी। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली का पोल्यूशन एक बार फिर से खबरों की सुर्खियां बनने जा रहा है। कई जगह AQI 300 तक पहुंच गया। हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई है दिल्ली की। लेकिन 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 पोल्यूशन पर होने वाली सालाना ब्लेम गेम प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले हमारे बुद्धिजीवियों के लिए बुरी खबर यह है कि दिवाली अभी भी 3 हफ्ते दूर है। तो ये कि दिवाली भले ही अभी दूर है, लेकिन खुशियां एकदम आपके पास हैं और खुशखबरी का टाइम आ गया है। मैंने बोला था ना, खुशखबरी इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक नारा दिया था कि ये दिवाली होगी किसानों वाली। सो इस दिवाली हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट तैयार करके किया है। जी हाँ, जिसमें लगने वाली बहुत सारी सामग्री किसान भाइयों से खरीदी है। यानी इसमें खुशबू है हमारे किसानों की मेहनत की, स्वाद है अपनी देसी मिट्टी की, शुद्धता है प्रकृति की। ये असॉर्टेड कुकीज का कम से कम एक पैक तो आपको खरीदना बनता है, क्योंकि वैसे भी स्टॉक लिमिटेड है, और तीर कमान से निकलने के बाद और कुकीज हमारे स्टॉक से निकलने के बाद वापस आने का कोनो गारंटी नहीं है। इसलिए प्लीज जल्दी से ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, ऑर्डर करिए। या एक व्हाट्सएप नंबर दिया है वही डिस्क्रिप्शन में, फटाफट उस पर व्हाट्सएप करिए कि कितना चाहिए आपको, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां पर जरूर लिखिए। बाकी अपने लिए भी खरीदिए, औरों को भी गिफ्ट देने के लिए जल्दी से ऑर्डर करिए। और याद रखिएगा, दिवाली गिफ्टिंग इनिशिएटिव के पीछे मकसद पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन त्योहारों के शुभ मौके पर यह साबित करना है कि देवेश भाई जैसे किसान अपने खेत में उपजे अनाज से कुकीज जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे कदम लेकर भारत इज बेस्ट की टीम और किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने में हमेशा लगी रहेगी, कोशिश करती रहेगी। जल्दी से ऑर्डर करिए स्पेशल दिवाली पैक के लिए, और ये कहिए कि ये दिवाली हो किसानों वाली। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करके लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, शेयर भी जरूर करिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।